नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है, लगातार जेल से बाहर आने के लिए कई तरह के पैंतरे अपनाते नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक नए बहाने ढूंढ कर ला रहे हैं ताकि उन्हें जेल से बाहर जाने का यानी जमानत पर जाने का मौका मिल जाए। पहले तो आम खा रहे थे, जैसा कि ईडी ने खुलासा किया, आम और मिठाई खा रहे थे, शुगर लेवल बढ़ जाए ताकि जो है मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें जेल से बाहर ने का मौका मिल जाए। और अब आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल को खतरा बताया जा रहा है। अब सुरक्षा का हवाला देकर सीएम केजरीवाल के जमानत की मांग जो है की जा रही है। एससी में पीआईएल जो है दाखिल की गई है। तो दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और अरविंद केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में है। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर जेल में उनकी जान को खतरा बताते हुए उनके बचे हुए मुख्यमंत्री कार्यकाल के लिए विशेष अंतरिम जमानत देने की मांग की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके कार्यकाल पूरा होने तक ईडी और सरकार द्वारा दर्ज सभी आपराधिक मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है। बता दें आपको 22 अप्रैल को होगी सुनवाई। तो दिल्ली हाई कोर्ट दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार यानी 25 अप्रैल को सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में जेल में बंद खूंखार अपराधी टल्लू ताजपुरिया और अतीक अहमद की हत्याओं का उदाहरण देते हुए कहा कि जेल में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा खतरे में है। असल ये जनहित याचिका कानून की पढ़ाई कर रहे छात्र अभिषेक चौधरी ने हम भारत के लोग नाम से दायर की है। अभिषेक का दावा है कि इस पीआईएल के जरिए उसे किसी तरह की प्रसिद्धि या फायदा नहीं चाहिए, इसलिए इस शीर्षक का इस्तेमाल किया है। जेल में कई कैदियों की मौत याचिका में कहा गया है कि देश की राजधानी दिल्ली की जेलों में कई कैदियों की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उन्हें समय पर चिकित्सक सुविधाएं और सेवाएं मुहैया नहीं कराई गई, जबकि कैदियों की शारीरिक स्थिति गंभीर थी। जनहित याचिका में क्या कहा गया है, आपको बता दें कि जनहित याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री होने के नाते यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल के लिए सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सक उपकरण और विशेषज्ञ डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध रहे, जो जेल परिसर की सुरक्षा कारणों से न्यायिक हिरासत के समय संभव नहीं है। याचिका में आगे कहा गया है कि जेल अधिकारी और पुलिस अधिकारी अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते क्योंकि वे इसी काम के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षित नहीं है। ये काम विशेष सुरक्षा बल के प्रशिक्षित कमांडो कर सकते हैं, जिन्हें खास तौर से वीआईपी लोगों की जान बचाने के लिए नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर खतरा, पीआईएल में कहा गया कि इस बिंदु पर याचिकाकर्ता माननीय उच्च न्यायालय को यह याद दिलाना चाहता है कि प्रतिवादी संख्या 5 यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा बहुत अधिक खतरे में है क्योंकि वह दुर्दत अपराधी के बीच है जो बलात्कार, हत्या, डकैती और यहां तक कि बम विस्फोट के आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं और उनके बीच केवल कुछ मीटर या कुछ दीवारों की ही दूरी है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के सामने 3 याचिकाएं अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर लगाई गई थी। हालांकि कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी, साथ ही तीसरी याचिका पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि हाल ही में एक और याचिका दाखिल जो है की गई जिसमें अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई थी जिसमें वह अपने मुख्यमंत्री होने का दायित्व निभा सके। तो आप देखिए कि जेल से सरकार चलाने को लेकर भी याचिका दायर की गई और इस तरीके की कई याचिका जो है समय समय पर दायर होती रहती है जो मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं और उनके अगर आप कहेंगे कि कई सारे बातों से उनसे कई सारी चीज़ों से रब्ता रखा हुआ है। कभी जेल से सरकार चलाने की बात होती है, कभी शुगर लेवल की जांच करने की बात कही जाती है, शुगर का हवाला दिया जाता है, जबकि ईडी खुलासा करती है डाइट चार्ट के जरिए कि अरविंद केजरीवाल जो कि टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट है, उनके घर से आलू की सब्जी, पूड़ी और आम और मीठे चीज़ों का जो है सेवन उन्होंने बढ़ा दिया। ये चीज़ें उनके घर से आती है और वो खाते हैं और ख़ासकर ये सारी चीज़ें जो एक शुगर पेशेंट के लिए बिल्कुल मनाही है, वो सारी चीज़ों का सेवन अरविंद केजरीवाल द्वारा किया जाता है, जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल इस तरीके के भोजन का अगर आप कहेंगे कि क्यों इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईडी ने कहा था कि मेडिकल ग्राउंड पर वो जेल से जमाना चाहते हैं और इसी वजह से जानबूझकर ऐसे खाना और ऐसे आप कह सकते हैं मील का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उनका शुगर लेवल हाई हो जाए और मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें जमानत मिल जाए। इसे लेकर याचिका भी डाली गई थी उनके वकील द्वारा, लेकिन बाद में उस याचिका को उन्होंने वापस ले लिया था और अब उससे अलग हटके अब उन्होंने एक नया अगर आप कहेंगे कि
रास्ता निकाला है जमानत के लिए और वो है सुरक्षा का। अब सुरक्षा के मुद्दे को हाईलाइट करके, सुरक्षा के मुद्दे को जो है अगर आप कहेंगे पूरी तरीके से हाईलाइट करके, अब सुरक्षा के हवाले से इस मामले पर वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए। तब जो है ताजपुरिया का एग्जाम्पल दे रही हैं, टिल्लू ताजपुरिया का एग्जाम्पल दे रही हैं, अब अतीक अहमद का एग्जाम्पल दे रही हैं। और जो व्यक्ति जिसने याचिका डाली है वो खुद एक लॉ स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि इस वजह से उसे कोई पॉपुलैरिटी या किसी तरीके का कोई चीज़ें नहीं चाहिए, बल्कि जो स्थिति उसने देखी उस अनुसार वो ये चीज़ें इस पीआईएल को उसने दाखिल किया। साफ तौर पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल के पार्टी के द्वारा, उनके जो वकील हैं उनके द्वारा जिस तरीके की दलीलें दी जा रही हैं, जिस तरीके से चीज़ें की जा रही है, वो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की जेल से बाहर आने की छटपटाहट को जो है बता रहा है। 23 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया था। ऐसे में उससे पहले ही मेडिकल ग्राउंड पे और आप कह सकते हैं अदर ग्राउंड पर वो जेल से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार, अगर आप कहेंगे लगातार, कुछ ना कुछ जो है कोई ना कोई याचिका डाली जा रही है जिससे कि वो जेल के सलाखों से जो है छूट जाए, जेल से वो बाहर आ जाए, और इसका पूरा पूरा ख्याल जो है रखा जा रहा है। और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी भी इसे लेकर लगातार, अगर आप कहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और लगातार जो है बयानबाजी करती है। अरविंद केजरीवाल के न्यायिक हिरासत बढ़ जाने पर भी उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी जल्द अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अलग अलग जगहों पर निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह जो है याचिकाएं दायर की है ताकि अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने का मौका मिल सके। हर जगह अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के नेताओं को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि दिल्ली का शराब घोटाला मामला बेहद ही बड़ा घोटाला मामला बताया जा रहा है, जिसमें आने वाले समय में और भी नेता जो है आम आदमी पार्टी के वो जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। और इसी वजह से इस घोटाले को लेकर अगर आप कहेंगे तो कड़े से कड़े इंतजाम तो किए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो मुख्य आरोपी है जिसमें लोग इन्वॉल्व है उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। और अब अगर आप देखेंगे तो पहले हेल्थ का हवाला दिया, मेडिकल बेसिस पर जमानत की चार्ज जो है रख रहे थे, फिर उससे पहले ईडी की द्वारा गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार दे रहे थे। इसके बाद अब एक नई याचिका उन्होंने डाली है जिस पर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री रहते हुए सुरक्षा का खतरा तक जो है इन्होंने बता दिया है कि सुरक्षा का खतरा है, इस वजह से अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं रखना चाहिए क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा फासला नहीं है, बस दीवारों का फासला है। एग्जाम्पल अतीक अहमद और टिल्लू ताजपुरिया का दिया जा रहा है और अब सुरक्षा के आधार पर जेल से अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग जो है की जा रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर ये अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने की छटपटाहट को दर्शा रहा है। और ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में खतरा बताकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है, जिस पीआईएल में अतीक अहमद और टिल्लू ताजपुरिया जैसे लोगों के जो है एग्जाम्पल देते हुए ये कहा गया है कि जेल के अंदर सिटिंग जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो सुरक्षित नहीं है और इसी वजह से उन्हें जमानत पर तब तक बाहर रखा जाए जब तक वो मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रहते हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।